हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दही बनाना, वो भी 20 मिनट में। इसके लिए फुल क्रीम मिल्क 1 kg का मैंने लिया है, इसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद एक जो हमारी छोटे से पतीले में, या फिर आप गंजी भी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप जमा सकते हैं। वैसे मिट्टी का बर्तन में दही बहुत अच्छा जमता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें बहुत जल्दी दही की आवश्यकता होती है, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, हमेशा जैसे कर्ड ख़त्म ही हो जाता है, तो ये जो हमारा कर्ड है, दही है, इसे जमाना वो भी 20 मिनट में, वो भी आसान है। इसके लिए जब हमारा दूध ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद आप इसको विस्कर की हेल्प से इसे एक साइड में राउंड से तब तक घुमाना है जब तक उसमें बबल्स ना आ जाएं। जैसे ही हमारे दूध में बबल्स आने लगें, दही मिला के जामुन के साथ हमने उसमें जामुन डाला है, वो भी 85 ml डाला है मैंने। ये तो रहा नॉर्मल तरीके से दही बनाना। आपको मैं 20 मिनट में दही जमा के बता रही हूँ। इसके लिए कटोरी लेंगे। कटोरी में थोड़ा 1 कप मिल्क लेना है। 1 कप मिल्क को फॉइल की हेल्प से एयर टाइट बांध देना है। आप इसमें रबर भी बांध सकते हैं। एल्युमिनियम की फाइल को पूरी तरह कवर करेंगे। कवर करने के बाद गैस पर हम पानी गर्म करेंगे। उसके ऊपर हम एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड में जो हमने कटोरी में दही रखा है, उस फॉइल वाली कटोरी को हम उस पर रखेंगे। फिर इसे 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आप 20 मिनट बाद देखेंगे कि आपका दही बन चुका है। मगर फ्लेम मीडियम ही रखना है फ्रेंड्स उस समय तक। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा दही जमा है ओनली 20 मिनट्स में, बिल्कुल नरम मार्केट के जैसा, और ये अभी खट्टा भी ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से आप इस रेसिपी को बनाइए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।